अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हमने अपना कंपेटिटर कहां से चूज करना है, किस तरीके से चूज करना है। ऑफ कोर्स हम उसमें हीलियम 10 का ही इस्तेमाल करेंगे, जो कि मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। लेकिन कंपेटिटर हम क्यों चूज करते हैं? जब भी हम किसी भी मार्केट में कोई भी चीज सेल करने के लिए जाते हैं, तो हम पहले मार्केट का सर्वे करते हैं कि इस प्रोडक्ट में कितने लोग बेच रहे हैं, कौन सबसे ज्यादा सेल्स ले रहा है, और फिर हम रीजन जाके देखते हैं कि जिसकी सेल सबसे ज्यादा है उसकी क्या वजह, किस वजह से सबसे ज्यादा लोग गुस्से आके बाय करते हैं, दूसरों से कम बाय करते हैं। तो ये हम अगर अमेज़न तो एक साइड पे भी कर दें, आप किसी भी फील्ड में जब चले जाएंगे, हम यहाँ पे वॉलमार्ट, ईबे, इट्सी, ये भी एक प्लेटफॉर्म है जिस तरह अमेज़न है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब आप चले जाते हैं तो आपका प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट कुछ जो उसके इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उनमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि आपने कंपेटिटर चूज करना है। ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया कि मैंने पिलो बेचने हैं। अच्छा, अब कुछ लोग बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि आप पिलो ही बताई जा रहे हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझने में आसानी हो। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इस तरह के बहुत से प्रोडक्ट हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट पे देख सकते हैं। अच्छा, अब हम अगर पिलो की बात करते हैं, तो हम ऐसा नहीं है कि हमने पिलो बेचना है, चलें जी पिलो चाइना से खरीदते हैं। अब ये चाइना से भी खरीदने की बात आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोग पाकिस्तान से भी खरीद सकते हैं, आप लोग बांग्लादेश से भी खरीद सकते हैं, कहीं से भी खरीद सकते हैं। जहां से आपको कोई भी प्रोडक्ट अच्छी मिलेगी वहां से ले लेंगे नॉर्मली, क्योंकि हम अलीबाबा के थ्रू जब सोर्सिंग करते हैं, अलीबाबा जो सोर्सिंग की सबसे बड़ी वेबसाइट है, तो चाइना से हमें ज्यादा अच्छी और ज्यादा सस्ती चीजें मिल जाती हैं। बड़ी मार्केट है, बहुत ज्यादा चीजें चाइना में बनती हैं, सस्ती मिल जाती हैं। तो इसलिए हम एग्जांपल लेते हैं, जब भी बात करते हैं तो चाइना की बात करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना से मिलती है, कोई भी प्रोडक्ट किसी भी दुनिया के मुल्क से आपको मिल सकती है। तो जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपने पिलो बेचना है, एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, तो अब पिलो बेचने के लिए जब आप उस पिलो को खरीदेंगे, ऐसा नहीं है कि बस आपने खरीदा और बेचना शुरू कर दिया। आप उसे पहले चूज करेंगे कि जो टॉप पे बंदा बैठा है, क्या रीजन है कि वो टॉप पे बैठा हुआ है, और फिर कौन सा ऐसा बंदा है जिसकी जगह आपने लेनी है। आप चाह रहे हैं कि उसकी जगह लेने से मुराद ये नहीं कि वो खत्म हो जाएगा, उससे मुराद ये है कि आप उससे कम्पीट करेंगे और उसके बराबर आ जाएंगे। वो भी रहेगा, आप भी रहेंगे, हो सकता है आप बहुत ज्यादा मेहनत करके उससे भी ऊपर आ जाए, कभी आप नीचे भी जा सकते हैं। ये सारी आप रैंकिंग में चीजें सीखेंगे इंशाल्लाह। तो आइए अभी मैं प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम कंपेटिटर किस तरीके से चूज करते हैं अपना। अच्छा, अब तो आप लोगों को याद हो चुका होगा कि हमने हीलियम कहां से इस्तेमाल करना है। हमने पिलो लिख के एंटर कर दिया, अब हम आगे यहां एक्सटेंशन पे, और यहां पे क्लिक करके हमने इस पे एक्सरे रन कर दिया। ये एक्सरे रन कर दिया जी हमने, हम लोग आगे एक्सरे। अच्छा, एक्सरे पे आने के बाद हम लोगों ने ये रेवेन्यू देखना है। रेवेन्यू हमने सेलेक्ट कर लिया हाई टू लो। अच्छा, हाई टू लो सेलेक्ट किया तो हमने देखा कि जो टॉप पे बैठे ना साइलेंट नाइट वाला, इसका रेवेन्यू है 230,000 pounds। तो हम एक तो हम ये कंपेटिटर अपना सेलेक्ट करेंगे जिसकी सबसे ज़्यादा सेल होगी, और फिर हम देखेंगे कि इसकी प्रोडक्ट ऑर्डर करके देखेंगे कि इसका मटेरियल क्या है, किस वजह से ये सबसे ज़्यादा सेल्स ले रहा है। कोई तो ऐसी रीज़न होगी कि सबसे ज़्यादा लोग इससे आके पिलो खरीदते हैं। अब ये देखिए, बाकी लोग भी यहाँ पे पिलो ही बेच रहे हैं बैठे, लेकिन साइलेंट नाइट वाला सबसे ज़्यादा पिलो बेच रहा है। और दूसरा हम कंपेटिटर अपना सेलेक्ट करेंगे एक नॉर्मल रेवेन्यू वाला, जिसके हम रिव्यूज पे आके देखेंगे कि हमने कहा जी रिव्यू हमारे पास आ रहे हैं जी, ये 606 हैं, 557 है, 288 हैं। हम कहते हैं जी इस पे ये जो 132 रिव्यूज वाला है ना, इसको हम कम्पीट करेंगे। मैं आपको इसी एग्जाम्पल देकर अलहदा से बताता हूँ। अब हम आके देख लेते हैं 132 वाले का रेवेन्यू कितना है। ये फिफ्थ नंबर पे आ रहा है, इसका रेवेन्यू हमारे पास आ रहा है 92,000। हम कहते हैं जी हमने 92,000 वाले को कम्पीट कर, इसकी जगह पे हमने आके बैठा। इसके सादा से एग्जांपल है कि एक मार्केट में जीन्स बेच रहे हैं 10 शॉप्स हैं। अब एक शॉप वाला सबसे ज्यादा बेच रहा है, 3 लाख की महीने की सेल कर रहा है, बाकी कोई 50,000 की कर रहा है, कोई 40,000 की कर रहा है। तो हम मटेरियल क्वालिटी देखेंगे 3 लाख वाले की, तो उसकी इतनी ज्यादा सेल क्यों होती है। फिर हम देखेंगे अच्छा ये जो 50 का बेच रहे हैं ना, हम भी इसके बराबर आके बैठ सकते हैं, क्योंकि 3 लाख वाले को कम्पीट करना तो मुश्किल है, उस पर हमें अच्छा खासा मार्केटिंग बजट चाहिए होगा। तो हमने कंपेटिटर सेलेक्ट कर लिए दो तरह के, एक वो कर लिया जिसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू है, वो हमने इसलिए किया कि हम उसका मटेरियल देखेंगे, उसकी क्वालिटी देखेंगे, और एक हमने सेलेक्ट किया कि जो हमारे क्राइटेरिया में रिव्यूज हैं, कि लेस देन 1000 रिव्यूज वाले में हम कोई भी जाके देख लेंगे और हम चूज कर लेंगे कि अब हमने इसको कम्पीट करना है, इसके बराबर हमने आके बैठना है। जिसके रिव्यूज बहुत ज्यादा है उसको हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे, हम उसकी कोशिश भी नहीं करेंगे। तो हम दो तरह का कंपेटिटर चूज कर लेते हैं, एक जिसका रेवेन्यू सबसे ज्यादा है और एक वो जिसकी जगह पे हमने आके बैठना।
चलें जी, मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, आपको बता दिया, आपको समझ आ गया, और ये भी आपने बात नोट कर ली कि हीलियम 10 पे आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है। आप हीलियम 10 के जितने अच्छे यूजर होंगे, जितने आप एक्सपर्ट होंगे हीलियम में, उतने ही आप प्रोडक्ट हंटिंग में एक्सपर्ट होंगे, क्योंकि हंटिंग आपकी सारी बेस करी हीलियम 10 के ऊपर। और ये यूके और यूएसए मार्केट की हम बात कर रहे हैं। जब हम किसी और मार्केट में जाते हैं तो वहां पे आप मैन्युअली भी देखते हैं, लेकिन क्योंकि बड़ी मार्केट्स ये हैं, जब आपको हीलियम 10 अच्छे से यूज करना आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप हंटिंग भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हंटिंग ऑलरेडी भी तफसील में बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, प्रोडक्ट हंटिंग ये होती है प्रोडक्ट सेलेक्शन, प्रोडक्ट रिसर्च कि आपने क्या बेचना है। जो चीज आपने बेचनी है आप उसको हंट कर रहे हैं, आप हंटिंग कर रहे हैं कि मुझे क्या बेचना चाहिए, इसको प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं। तो उसके लिए हीलियम 10 का आपको आना बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि कंपेटिटर एनालिसिस कैसे करते हैं और क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं प्राइस एनालिसिस। अच्छा, प्राइस एनालिसिस क्या है? इन सिंपल वर्ड्स, आप एक प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं। हम जीन्स की एग्जाम्पल लेते हैं। आपने एक जीन्स बनाई है, जीन्स की पैंट आपने बना ली, अब आप उसे मार्केट में लेके आना चाह रहे हैं, या आपने किसी से बनवाई है और आप मार्केट में लेके आना चाह रहे हैं, या आप प्लान कर रहे हैं कि मुझे जीन्स बेचनी है, तो आप अब आप उससे पहले उसका एनालिसिस करेंगे कि जीन्स मार्केट में कितने की बिकती है, कौन सा बंदा कितने की बेचता है, कौन सा मटेरियल यूज करता है, कौन सी क्वालिटी यूज होती है उसमें। अब फॉर एग्जाम्पल आप लाहौर में आ गए, आपको लाहौर में पता चला जी लाहौर की एक मार्केट है, वहाँ पे जीन्स की प्राइस चल रही है, एक बंदा 1000 रुपये की बेच रहा है और एक बंदा 5000 की बेच रहा है और बाकी सारे इसके दरमियान में है, 1000 से 5000 के बीच में। अब आपने जो बेचनी है, अगर आप आके पहले दिन 2000 की बेचना शुरू कर देते हैं तो कौन लेगा आपसे? एक दो तीन लोग ले लेंगे, लेकिन आप मार्केट में कम्पीट तो नहीं कर पाएंगे। जब सबको पता है कि फलां बंदा तो 1000 की बेचता है तो आपसे कोई 2000 की क्यों लेगा, और फिर आप 3000-4000 की बेचेंगे क्यों लेगा आपसे कोई। तो आप ये करेंगे कि जो कम से कम प्राइस पे बेच रहे हैं ना, आप उससे भी 20% कम पे बेचें। अब जब आप मार्केट में, एक ही बाजार है, पूरे बाजार के अंदर सारे लोग बेच रहे हैं 1000, 1500, 2000, 5000, आप आके 800 रुपए की लगा देते हैं तो आपकी तरफ बायर अट्रैक्ट होगा, बायर कहेगा जी ये सस्ती बेच रहे हैं, हमें इससे खरीदना चाहिए। लेकिन हो सकते हैं आपकी कॉस्ट प्राइस और सारे खर्चे डाल के आपकी प्राइस 900 रुपए पड़ रही हो आपको, फिर भी आप 800 की बेचेंगे, आप 20% लेस पे बेचेंगे जो मार्केट पे बिक रही है। क्यों? क्योंकि आपने बायर को अट्रैक्ट करना है शुरू में। इसको हम कहते हैं ब्लीडिंग फेज या मार्केटिंग बजट। हमारे पैसे लग रहे होते हैं, हम शुरू में आते ही प्रॉफिट पे नहीं चले जाते। आप अपने क्लाइंट को भी बताते हैं, जिसके आप प्रोडक्ट लॉन्च करें उसे बताते हैं जी जब हम लॉन्च करेंगे तो शुरू में आपको चंद दिन लॉस पे बेचनी होगी प्रोडक्ट, या अगर आप बहुत लकी हैं, आपने बहुत अच्छी वर्किंग की, आप कहेंगे जी हम कॉस्ट टू कॉस्ट बेचेंगे, लॉस नहीं होगा लेकिन प्रॉफिट भी नहीं होगा। लेकिन क्या आप हमेशा उसी प्राइस पे बेचते रहेंगे? ऐसे तो नहीं होगा। आप स्टार्ट करेंगे 800 रुपए में, लेकिन अब आप देखेंगे जी बहुत से बायर आपके पास आ रहे हैं तो आप 850 कर देंगे। अच्छा, 850 से फिर आप 900 कर देंगे, फिर आप देखेंगे जी अब हम ब्रेक इवन पे आ गए हैं। ब्रेक इवन का मतलब होता है कि जितना खर्चा है उतने की बिक रही है, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो फिर आप क्या करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता प्राइस बढ़ाते जाते हैं, लेकिन कितनी बढ़ाएंगे? एक होती है आपके टारगेटेड प्राइस। तो अब ऐसा तो नहीं है कि आपकी अगर लॉन्च प्राइस, यानी आपने मार्केट में लॉन्च कर दी 800 रुपए में और आप कहें जी एक महीने के बाद मैं इसको 5000 रुपए कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपने पहले दिन से जब आप वर्किंग कर रहे हैं तो आपने टारगेट प्राइस भी सेट की हुई है कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को 1500 का बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा 30% का। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। तो आपने शुरू तो 800 से किया लेकिन आपकी टारगेट प्राइस 1500 है। हाँ, वो 1600-1700 हो सकती है, कोई आउट ऑफ स्टॉक चला गया है, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, शॉर्टेज हो गई है, कोई भी मसला हो गया है, तो आप ऊपर चले जाएंगे, आप 100-200 रुपए नीचे भी आ जाएंगे। लेकिन एक प्राइस आपके माइंड में फिक्स होगी कि मैंने एवरेज रूटीन में इस प्राइस पे बेचना है, लेकिन उससे ऊपर नीचे हो सकता है। और प्राइस मैंने आपको बताया आप चेंज कर सकते हैं, कभी आप कम कर देंगे, कभी ज्यादा कर देंगे मार्केट के हिसाब से कि बाकी लोग। जिस तरह एक मार्केट में अगर आप 800 रुपए पे लेके आ गए, चलें जी आपकी प्रोडक्ट बिकना शुरू होगी, अब सब लोगों ने देखा जी ये 800 की बेच रहा है, तो जो 1000 की बेच रहा है उसने भी 800 की कर दी, अब उसने 800 की कर दी, एक 1500 की बेच रहा था उसने भी 800 की कर दी, तो यहाँ पे हो सकता है आपको 700 करना पड़े और नीचे आना पड़े। और एक टाइम आएगा कि जब आप रैंक कर जाएंगे प्रोडक्ट, रैंक से मुराद है कि आपके पास अच्छे खासे बायर्स आना शुरू हो जाएंगे, तो आप प्राइस ऊपर भी ले जाएंगे। यानी अगर आप 1500 की बेच रहे हैं तो आप हमेशा 1500 की नहीं बेचेंगे, आप 1600-1700-1800 पे भी ले जाएंगे। तो प्राइस आपकी दो तरह की होगी, एक टारगेट प्राइस जो आपके माइंड में होगी कि मैंने फ्यूचर में जाके इस प्राइस पे एवरेज बेचना है, लेकिन शुरू में अगर मुझे लॉस पे या कॉस्ट टू कॉस्ट पे बेचने पड़ते हैं तो कोई मसले की बात नहीं है। अभी हम जाते हैं प्रैक्टिकली देखते हैं अमेज़न पर
कि हम किस तरीके से अपने टारगेटेड प्राइस का एनालिसिस करते हैं, वो कहाँ से सेट करते हैं और लॉन्च प्राइस हम कहाँ से सेट करते हैं। आइए प्रैक्टिकली देखते हैं। जिस तरह मैंने बात की कि अभी हम लोग सीखेंगे प्राइस एनालिसिस प्रैक्टिकली, किस तरह हम प्राइस का एनालिसिस करते हैं, तो हम चले जाएंगे सिंपली अमेज़ॉन पर। यहाँ पर हम हीलियम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगरचे आप हीलियम का इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हैं, अगर हम हीलियम टैंक से हट के भी एक काम कर सकते हैं तो हम वो भी कर लेते हैं, ताकि आपके पास दोनों रास्ते। हम चले गए जी अमेज़ॉन पर और अमेज़ॉन पर हमने जाके लिख दिया है पिलो। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ एग्जांपल के लिए कर रहे हैं पिलो, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप पिलो पे ही काम करेंगे, हज़ारों लाखों प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा जी पिलो मैंने लिखा और पिलो लिख के मैं आ गया यहाँ पे। अच्छा प्राइस हमने दो तरीके से सिलेक्ट करनी होती है, एक हमारी होती है टारगेटेड प्राइस जो मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ और एक हमारी होती है लॉन्च प्राइस। अच्छा अब हम यहाँ पे आ गए, हमने देखा कि पिलो है ये 33 पाउंड का भी बिक रहा है, ये 14 पाउंड्स का भी बिक रहा है, फिर 33 पाउंड्स का, फिर 26 पाउंड्स का। अच्छा कोई भी प्रोडक्ट है ना उसके अंदर मटेरियल डिफरेंट होते हैं। अब पिलो है, डक फैदर का पिलो भी होता है, गूस फैदर पिलो भी होता है, होलो फाइबर का भी होता है, माइक्रो फाइबर का भी होता है। तो हमने जब हंटिंग में ये सेलेक्ट कर लिया कि हम किस मटेरियल में किस कैटेगरी में जा रहे हैं, अब हमने उस कैटेगरी में देखना है कि सबसे कम प्राइस किसकी है। अच्छा हम ये देखते हैं जी 33, 14, 33, 26, अभी तक हमें 14 मिली कम, फिर 26 ये 15 मिली, फिर ये हमें 7 भी नज़र आ रही है, फिर हम नीचे आके हमने देख लिया जी हमारे पास फिर 39, 23, 24, फिर नीचे आगे 13, 30, 22, 44, हमें यहाँ पे सबसे कम प्राइस नज़र आ गई है 7, ये 7 पाउंड वाली हमें सबसे कम प्राइस नज़र आई है। तो ये लॉन्च प्राइस है वो इससे 20% कम होगी, यानी अगर 7 का हम 20% निकाले तो ये बनता है 140, 1.40, तो 1.40 हम 7 में से माइनस कर देंगे तो 5.60 हमारी लॉन्च प्राइस होनी चाहिए। अब 5.60 पे हम इसको लॉन्च तो कर देंगे लेकिन इवेंचुअली हमने अपनी एक टारगेट प्राइस सेट की होगी, इवेंचुअली हमने इसको यहाँ पे बेचना है जाके। तो हमने देख लिया, अब हमने सोर्सिंग उस हिसाब से करनी है कि हमें इतनी सस्ती सोर्सिंग होनी चाहिए कि हम 5.60 का इसको बेच सकें। वो ज़ाहिर है अगर हमारी सोर्सिंग बहुत अच्छी होगी हम तभी बेच सकेंगे। तो हंटिंग जो आपकी होती है इसके अंदर सोर्सिंग भी बड़ी मैटर कर रही होती है। ऐसा नहीं होता कि आप प्रोडक्ट पहले फाइनल कर लेते हैं, प्रोडक्ट फाइनलाइजेशन के दौरान इसमें सोर्सिंग का पूरा अमल आता है, तो तब प्रोडक्ट फाइनल होती है ना। जब तक आपके पास कॉस्ट प्राइस नहीं आएगी आप उसको फाइनल नहीं कर सकते। अब इसी तरह हम यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं पिलो को हटा के, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं जी सॉक्स, हम देख लेते हैं जी। अब सॉक्स में अगेन हम वही चीज देखेंगे कि प्राइस, ये स्पॉन्सर को हम छोड़ देंगे, जब भी हम कोई काम कर रहे होंगे तो हम ऑर्गेनिक देखेंगे, ये जिसके ऊपर ये स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है, ये स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है, ये स्पॉन्सर्ड यानी पेड एडवर्टीजमेंट, PPC जिसे हम कहते हैं, पे पर क्लिक, ये क्योंकि अमेजोन को पे कर रहे हैं, पे करके ऊपर आ रहे हैं। ये डिटेल हम PPC में सीखेंगे कि ऐसा हम क्यों करते हैं, हम लॉन्च स्ट्रेटजीज में PPC पे लॉन्चेस क्यों करते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, वो हम सारा सीखेंगे। लेकिन आपने इसको छोड़ के आपने ऑर्गेनिकली देखना है नीचे, ये ऑर्गेनिक आ गए जी, ये हम देख रहे हैं जी ये 30 पाउंड का है, ये 9, ये 8, अभी तक हमें 8 मिला सबसे कम, फिर 13, 14, 21, फिर नीचे आ गए जी 21, 9, 19, 13, पहले पेज पे हमने देख लिया जी, अभी तक हमने जो देखा 10, 15, 20 जो लोग हमने देखे तो उसमें हमें सबसे सस्ता मिला 9 वाला, हम फिर 9 वाले पे चले गए, यानी ये 8.99, एक तो 950 का बेच रहे हैं, एक बेच रहे हैं 8.99 का। अब हमने जिस प्राइस पे लॉन्च करना है वो ये प्राइस नहीं होनी चाहिए, वो प्राइस हमारी इससे 20% कम होगी, इससे 20% कम की प्राइस पे हम इसको लॉन्च करेंगे और इवेंचुअली प्राइस ऐसा ऐसा ऊपर करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च की है $10 पे, एग्जांपल ले रहे हैं, तो वो हमने लॉन्च 10 पे की है लेकिन हमने ऑलरेडी टारगेट सेट किया अपना सोर्सिंग पे जो प्राइस थी वो निकाल के, FTA फीस निकाल के, कि सारी कॉस्ट निकाल के हमें प्रॉफिट मार्जिन कितना बचेगा। लॉन्च प्राइस पे तो हो सकते हैं हम प्रॉफिट में ना हो, सकते हैं हम लॉस में भी हों। दो ऑप्शंस होती है ना लॉन्च प्राइस पे, एक होता है आप कॉस्ट टू कॉस्ट बेच रहे होते हैं, एक होता है कि आप लॉस पे बेच रहे होते हैं। लेकिन लॉस पे इसलिए बेच रहे होते हैं कि कुछ दिनों के बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता प्राइस बढ़ा देनी होती है। ये चीज़ आप यहाँ माइंड में रखें कि प्राइस जो है आपकी, ये आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, ये ऊपर नीचे होती रहती है, सीजनैलिटी के हिसाब से भी हो सकती है, कोई दूसरा आउट ऑफ स्टॉक चला गया, कोई प्रॉब्लम आ गई है, मार्केट में शॉर्टेज हो गई है, ये प्राइस आप अमेज़ॉन पर डेली बेसिस पे भी चेंज कर सकते हैं।
रात को आपने 10 पाउंड रख के आप देख रहे हैं बहुत अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, आप 11 पाउंड कर देते हैं। आप देखते हैं कि आज ऑर्डर आ ही नहीं रहे, आप 9 पाउंड कर देते हैं, 1 पाउंड कम कर देते हैं। तो ये प्राइस ऊपर नीचे करना ये आपके इख्तियार में होता है, आप इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं। चलें जी, प्रैक्टिकली हमने देखा पिछली वीडियो में, हमने कंपेटिटर एनालिसिस या कंपेटिटर सिलेक्शन पे बात की थी। ये एक ही चीज़ है, अल्फाज थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ें एक ही होती हैं। एनालिसिस करना, रिसर्च करना, किसी बारे में देखना, प्रोडक्ट रिसर्च करना, ये सब चीज़ें मिलती जुलती ही होती हैं। इसमें हमने प्राइस एनालिसिस पे बात की है। अब प्राइस आप एनालिसिस कह लें या प्राइस सिलेक्शन कह लें, ये दोनों चीज़ें मिलती जुलती ही हैं। तो आप लोगों ने वर्डिंग पे कभी कंफ्यूज नहीं होना कि जी एक वीडियो में एनालिसिस बोल दिया था, एक में सिलेक्शन बोल दिया था। आपने काम पे फोकस करना है, प्रैक्टिकली काम पे। प्रैक्टिकल मैंने आपको करके दिखाया, अब कोई इसको सिलेक्शन कह ले कोई एनालिसिस कह ले, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीख लिया प्राइस एनालिसिस, और हमने दो तरह की प्राइस देखी, लॉन्च प्राइस और टारगेटेड प्राइस। ये दोनों आपने प्रैक्टिकली देखनी है, अब ये आपके लिए आसान हो गया। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं नेगेटिव रिव्यूज के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम रिव्यू पे बात कर लेते हैं कि रिव्यू क्या है। रिव्यू आपका जो बायर है, जो आपसे कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहा है, वो उसके बारे में जो कमेंट्स दे रहा है वो आपके रिव्यू हैं। अब रिव्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हम स्पेसिफिकली बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर नेगेटिव रिव्यूज के ऊपर। तो रिव्यू आपको पता चल गया, सादा सी एग्जांपल लेते हैं। आप एक आइसक्रीम शॉप पे जाते हैं, वहां से आप आइसक्रीम खरीदते हैं। अब आप चार दोस्त गए, तीन ने कहा जी आइसक्रीम बहुत कमाल थी जी, बड़ी टेस्टी थी, एक ने कहा जी अच्छी नहीं थी आइसक्रीम। तो एक ने नेगेटिव रिव्यू दिया, तीन ने पॉजिटिव रिव्यू दे दिया कि जी अच्छी प्रोडक्ट थी, एक ने कहा नहीं जी अच्छी नहीं थी। तो रिव्यू वो होता है जो भी आप कमेंट्स देते हैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में, जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कहीं से भी बाय कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन ले रहे हैं, चाहे शॉप पे जाके ले रहे हैं, फिजिकल शॉप पे जाके ले रहे हैं, लेकिन जो आप कमेंट्स दे रहे हैं ना उसको। ऑनलाइन में ये होता है कि आप लिख देते हैं वो रिकॉर्ड पे आ जाता है, फिजिकल पे यह कि आप उनको वर्बली बता देते हैं। तो जो भी आपने उनको बात बताई, जो आपने उनको कमेंट्स दिए उनकी प्रोडक्ट के बारे में, वो आपने रिव्यू दे दिया उनको। तो हम क्योंकि बात कर रहे हैं नेगेटिव रिव्यूज पे, तो हम प्रैक्टिकली जाके देखते हैं कि नेगेटिव रिव्यू किस तरीके से होते हैं, नेगेटिव रिव्यू दिखता कैसे है, शो कैसे होता है। बता तो मैंने आपको दिया कि जी एक दोस्त ने आइसक्रीम खाई, उसने कहा नहीं जी गलत गंदी आइसक्रीम थी, मज़ा ही कोई नहीं, टेस्ट ही नहीं था जी। तो उसने रिव्यू तो दे दिया, लेकिन अमेजोन की फील्ड में या ऑनलाइन की फील्ड में नेगेटिव रिव्यू दिखता कहाँ पे है, कैसा होता है, आए प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम नेगेटिव रिव्यूज को अब देखेंगे प्रैक्टिकली, तो आए सिस्टम पे। हमने यहाँ पे लिख दिया जी पिलो, पिलो लिख के एंटर किया, हमें अमेजोन ने पिलोज दिखा दिए। अब ये हमारे सामने हर प्रोडक्ट पे देखें ये रिव्यूज आ रहे हैं। अब तो आपको ये याद भी हो चुका होगा, हर प्रोडक्ट पे देखें रिव्यूज आ रहे हैं। अब इसके 1932 हैं, इसके 23,000 हैं, इसके 5,200 समथिंग है, इसके 43,000 हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं कि हम किसी भी पिलो के ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं। हम चलें जी इस पे देख लेते हैं जी, ये एक पिलो है, हमने इस पे क्लिक कर दिया। अब ये रिव्यूज फिर हमारे सामने यहाँ पे भी आ रहे हैं, ये शो हो रहे हैं आपके सामने रिव्यूज, ये 551 रेटिंग्स आ रही है हमारे पास। हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया जी रिव्यूज देखने के लिए। अच्छा, अभी हमारे पास रिव्यूज यहाँ पे आ गए कि जी ये लिंडसे ने रिव्यू दिया है, ये डी थॉम्सन ने रिव्यू दिया है कि गुड बाय है, वो कहते हैं जी ग्रेट नाइट स्लीप। अच्छा, अब इसमें हम क्योंकि बात करें नेगेटिव रिव्यूज पे, तो यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई नेगेटिव रिव्यू भी आ जाएगा। ये आ गया जी हमारे पास, ये जॉन एस कहता है जी उसने एक स्टार दिया है नेगेटिव, मतलब 1 या 2 स्टार या 3 स्टार नेगेटिव रिव्यू दे रहा है। वो कहते हैं जी आई ऑर्डर अ सेकेंड ऑर्डर फ्रॉम द सेम वेबसाइट, आई ऑर्डर 2 वीक्स अर्लियर बट रिसीव्ड अ मच इनफीरियर प्रोडक्ट। मतलब उसने नेगेटिव लिखा, उसने कहा जी ये प्रोडक्ट जो पहले की तरह मजे की नहीं थी। अब फर्ज कर लेते हैं इसे नहीं खरीदा था, नया बंदा खरीदता है, वो कहता है जी पिलो मिला, वो यहाँ पे लिख देता है जी पिलो के ऊपर दाग थे, पिलो के ऊपर निशान थे, तो ये नेगेटिव रिव्यू है। यानी कोई भी प्रोडक्ट जो आपके बायर ने आपसे खरीदी और फिर उसके ऊपर उसने अपना रिव्यू दिया कि जी ये प्रोडक्ट ऐसी थी, अगर उसने गलत रिव्यू दिया तो इसको हम कहेंगे ये नेगेटिव रिव्यू है, जो कि हमारी लिस्टिंग के लिए कभी भी अच्छे नहीं होते। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे पॉजिटिव रिव्यूज आने चाहिए। अगर नेगेटिव आते हैं तो हम बायर से कॉन्टेक्ट करके रिक्वेस्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारा ये नेगेटिव रिव्यू ख़त्म हो जाए, या हम कोशिश करते हैं कि इतने ज़्यादा पॉजिटिव आएँ कि नेगेटिव नीचे ही चला जाए, नेगेटिव गायब ही हो जाए। यानी अगर 100 लोगों ने रिव्यू दिए हैं आपको, उनमें से 95 ने आपको पॉजिटिव दिया है,
5 ने नेगेटिव दिए तो वो आपको इतना इफेक्ट नहीं करेगा, वो के नीचे चले जाएंगे। आपको जो मेन आपकी रेटिंग शो हो रही होगी, ये देखें रेटिंग मैं आपको दिखाता हूँ, रेटिंग क्या है बेसिकली रिव्यू में। नेगेटिव रिव्यू का तो आपको पता चल गया ना, सबने अच्छा लिखा है कि नहीं, गलत लिखा है तो वो नेगेटिव है। लेकिन ये लिस्टिंग के ऊपर ही स्टार्ट पे जब हम गए तो ये हमने यहाँ पे जब क्लिक किया ना, ये रेटिंग आ रही है इसकी 4.5 out of 5, ये इसकी रेटिंग है। वो कहते हैं ये 71% लोगों ने इसको 5-star रिव्यू दिए हैं, 16% लोगों ने 4-star दिए हैं, 5% लोगों ने 3-star दिए हैं, 3% लोगों ने 2-star दिए हैं और 5% ने 1-star दिए हैं। यानी इसने 100 लोगों में से डिवाइड कर दिया कि जी 71 ने ये दिए, 16 ने ये दिया, 5 लोगों ने ये दिया, 3 ने ये दिया, 5 ने ये दिया, तो ये लेकिन ओवरऑल इसकी रेटिंग है 4.5 out of 5, तो ये एक अच्छी रेटिंग है, एक मुनासिब रेटिंग है। 4.78 हो तो क्या ही बात है, लेकिन 4.5 या इससे ऊपर की रेटिंग एक मुनासिब और अच्छी रेटिंग शुमार होती है। तो नेगेटिव तो मिले इसको, हमने खुद नेगेटिव पढ़ा भी, लेकिन इतना अफेक्ट नहीं किया क्योंकि पॉजिटिव की परसेंटेज ज़्यादा थी। तो जब वो ज़्यादा थे तो नेगेटिव वैसे ही कहीं नीचे गायब हो गया, उसकी वैल्यू वो नहीं रही। लेकिन फिर भी हमने हमेशा ये कोशिश करनी है कि नेगेटिव रिव्यू से बचना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को अगर आपकी लिस्टिंग पे एक नेगेटिव आ गया तो आप कहें चलें कि 50 पॉजिटिव हैं। हाफिज़ अहमद ने कहा था एक दो हो भी जाए नेगेटिव, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लिस्टिंग को इतना अफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मसला तो फिर भी है ना। हो सकता है कोई बायर आए, उसकी नज़र ही सीधी उस पर पड़े, वो पड़े ही सिर्फ उसको जो नेगेटिव रिव्यू हुआ। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपने प्रोडक्ट को हर तरह से सिक्योर करना, उसकी पैकिंग अच्छी हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, वो डिलीवर टाइम पे हो, उसमें किसी किस्म का मसला ना आए, प्रोडक्ट के ऊपर कोई दाग ना हो, हर तरह से सिक्योर, सेफ, नीट एंड क्लीन प्रोडक्ट को, ताकि आपको नेगेटिव रिव्यू ना आ सके। चलें जी, ये भी आपने देख लिया कि नेगेटिव रिव्यू कैसा होता है, रिव्यू कहाँ पे शो होते हैं, रिव्यू की रेटिंग क्या होती है, और उसमें फिर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हमारे पास है। तो हमने नेगेटिव पे फोकस किया क्योंकि हमारे इस वीडियो का टारगेट है कि हमने नेगेटिव रिव्यू समझना है, नेगेटिव रिव्यू सीखना है कि वो क्या होता है। पॉजिटिव पे भी, फीडबैक पे भी, सब चीज़ों पे हम किसी न किसी वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में मकसद ये था कि आपको नेगेटिव रिव्यू का पता चल जाए, वो आपने देख लिया कितना आसान है। अच्छा, नेगेटिव रिव्यू आपने प्रोडक्ट हंटिंग में भी आपके बड़े काम आता है कि जब आप प्रोडक्ट अपने सोर्स करने लगते हैं ना, जब आपने फाइनल कर लिया, आपने ग्लास फाइनल कर लिया और आपने अपने सप्लायर्स को कहा जी ग्लास दें, तो उससे पहले आपने जो लोग ग्लास बेच रहे हैं उनके जाके नेगेटिव रिव्यूज पढ़ने हैं। ये आपके बड़े ज़रूरी टॉपिक है कि इस बंदे को किस किस वजह से नेगेटिव रिव्यू आया। हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे सारे जो कंपेटिटर्स हैं, जो लोग ग्लास बेच रहे हैं, उनको रिव्यू आया था कि जी ग्लास टूट जाता है, ग्लास जब मेरे पास पहुंचा मुझे टूटा हुआ मिला जी। तो आपने अपने सप्लायर को क्या कहना है, जी पैकिंग इतनी सिक्योर होनी चाहिए कि ग्लास ना टूटे। तो नेगेटिव रिव्यू आपको फायदा दे रहा है, ये आपको वैसे नहीं बात बताई जा रही, ये आपकी प्रोडक्ट हंटिंग में, सोर्सिंग में काम आनी है। जब आप प्रोडक्ट फाइनलाइज करेंगे तो फाइनलाइज करते वक्त आपने कंपेटिटर के नेगेटिव रिव्यूज देख के उन चीजों पे ज्यादा अच्छा काम कर लेना कि हमें इस वजह से नेगेटिव रिव्यू नहीं आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, हम इस वीडियो में बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, इन्वेंट्री प्लानिंग पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसकी वजह से आपके क्लाइंट के पैसे डूब भी सकते हैं और वो बहुत ज्यादा फायदे में भी जा सकते हैं। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं होगी तो आपको, अच्छा मैं आपको पहले ये बता दें इन्वेंट्री क्या है। इन्वेंट्री है आपका स्टॉक। आप अगर ग्लास बेच रहे हैं तो जो आपके 50 ग्लास रखे हुए हैं ना, उसको हम कहते हैं ये आपकी इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री प्लानिंग इसलिए बड़ी ज़रूरी है कि आपने अपने क्लाइंट को बता दिया जी हम ग्लास बेचेंगे, क्लाइंट आपके कहते हैं जी ठीक है जी 100 ग्लास हम खरीद लेते हैं और उसको हम अमेरिका में अमेजोन की वेयरहाउस पे रख देते हैं। पता चलता है जी आपके 2 दिन में सारे ग्लास बिक गए हैं और उसके बाद आप बैठे जी अब चाइना से दोबारा खरीदेंगे, आएंगे, 1 महीना लगेगा। उतनी देर में वो जो 2 दिन की मेहनत थी, या 15 दिन में अगर बिके हैं तो जो 15 दिन की मेहनत थी वो टॉप पे आया था, उसको लोग खरीद रहे थे। जब उसके पास स्टॉक ही नहीं होगा उसकी शॉप डाउन चली जाएगी। अब लोग ग्लास ढूंढेंगे तो वो नहीं आएगा नज़र क्योंकि उसके पास है ही नहीं, लेकिन जब वो आएगा 2 महीने के बाद, जब उसके पास ग्लास वापस आएंगे और लोग ग्लास लिखेंगे तो वो उस तरह पहले पेज पे नहीं नज़र आएगा, वो कहीं नीचे गुम हो चुका होगा। उसे नए सिरे से मेहनत करके, फिर स्पॉन्सर एड चला के, कीवर्ड्स रैंक करके दोबारा अपने प्रोडक्ट को ऊपर लेके आना होगा। इन्वेंट्री प्लानिंग बेसिकली होती क्या है, प्लानिंग आपने करनी कैसे, पहले हम आए किसी लोकल बिजनेस की एग्जांपल लेते हैं। आप डिसाइड करते हैं कि आपने पेंट्स की शॉप बनाई है जीन्स की और अब आपने उसमें स्टॉक खरीदना है, आपने फैक्ट्री से खरीदना है और वहाँ पे रखना है। तो आप पहले सर्वे करेंगे कि इस एरिया में जो बाकी शॉप्स हैं वहाँ से आइडिया लें कि किसकी कितनी सेल होती है डेली और महीने की कितनी सेल है,
आप फिर उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं, अच्छा अगर डेली की इसकी 10 पैंट्स बिकती है इसका मतलब है कि मुझे 15 रखनी चाहिए, किसी दिन ऑर्डर ज़्यादा भी आ सकते हैं, तो मुझे डेली के 15 ऑर्डर्स के हिसाब से अपना स्टॉक मेंटेन करना है। तो आप एक प्लानिंग करके काम करते हैं, बगैर प्लानिंग के अगर आप करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। क्यों फेल हो जाएंगे? जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपके पास स्टॉक ख़त्म हो गया, 10 बायर्स आए हैं और वो आपकी शॉप में आते हैं और आप उन्हें बताते हैं जी सॉरी मेरे पास तो ये, अगर हम साइज़ पे भी चले जाते हैं, आप कहते हैं सॉरी 36 बेस की पैंट मेरे पास नहीं है, वो साथ वाली शॉप पे चला जाता है। एक और आता है आपके पास नहीं है, वो साथ वाली शॉप पे चला जाता है। तो जो एक दफ़ा आपके पास से होके चला गया, उसे पैंट नहीं मिली, वो दोबारा आपकी शॉप पर नहीं आएगा, वो कहेगा जी इनके पास तो स्टॉक ही नहीं होता। यही काम अमेज़ॉन पे होगा, एक बायर लिख रहा है आके, उसे एक शॉप नज़र ही नहीं आ रही, आपके पास कुछ है ही नहीं, तो वो किसी और से खरीद लेगा, वो दोबारा उसी के पास जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। 99% केसेस में यही होता है। तो आपने प्लानिंग करनी है। प्लानिंग अब आप कैसे करेंगे? प्लानिंग ये हम करेंगे टूल्स के हिसाब से। हीलियम 10 हमें बता देता है ना कि हमारे कंपेटिटर की या जो भी बंदे पहले बेच रहे हैं उनकी डेली की या मंथली की कितनी सेल्स हैं। हम उस एवरेज के हिसाब से ये काम करते हैं। जिस तरह यहाँ पे आप क्या करते हैं लोकल बिजनेस में, साथ वाली दुकानों से पूछते हैं जी कितनी सेल होती है, वहाँ पे आप हीलियम 10 से पूछेंगे जी बताएं फ्लां बंदे के कितनी सेल होती है, ताकि मैं भी उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करके चलूँ। अगर प्लानिंग अच्छी नहीं होगी प्रोडक्ट आपकी फेल हो सकती है। रैंक हुई हुई प्रोडक्ट कई लोगों की फेल हो जाती है सिर्फ इन्वेंट्री प्लानिंग ना होने की वजह से। तो इन्वेंट्री वो स्टॉक है, वो चीज़ है जो आपकी है, जो वहाँ पे पड़ी है यूके में या आपके पास या चाइना में, स्टॉक को इन्वेंट्री कहते हैं। जब आपने उसकी प्लानिंग कर ली तो ये आपकी इन्वेंट्री प्लानिंग होगी कि आपको कितने यूनिट भेजने हैं, किस हिसाब से भेजने हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी आ जाती है, प्लानिंग ये नहीं है कि अगर महीने के 1000 बिकेंगे तो आपने 2 महीने के हिसाब से 2000 रख दिए। प्लानिंग ये भी है कि आपने 500 खरीदे और वहाँ भेज दिए और लाइन में लगे हुए हैं, आपको पता 15 दिन का स्टॉक पड़ा है, लेकिन आप कहेंगे अभी एक हफ्ते का रहता होगा, अगले 500 भी पहुँच जाएंगे, ये भी प्लानिंग है। ये ज़रूरी नहीं कि आपने 6 महीने का स्टॉक इकट्ठा वहाँ पर रख देना, बस आपके पास प्लान होना चाहिए कि जो सामान पड़ा है वो ख़त्म होने से पहले और बीच में मेरे पास हफ्ते 2 हफ्ते या मैं कहता हूँ 30 डेज का मिनिमम मार्जिन होना चाहिए, कि कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी वजह हो सकती है, तो एटलीस्ट आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका स्टॉक पहुँचते रहें। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं अलीबाबा के बारे में कि अलीबाबा क्या है, उसका हम एक ओवरव्यू लेंगे। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट सोर्स करना चाहते हैं तो आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने फैसलाबाद में एक दुकान बनाई, उसके लिए आपने चीज़ें खरीदनी है, तो आप एक बड़ी मार्केट में जाते हैं, होलसेल मार्केट में, शाह आलम मार्केट लाहौर में आप आ जाते हैं, वहाँ पे सारे सप्लायर्स बैठे हैं, तो आप एक अच्छी सोर्सिंग कर लेते हैं। बजाय इसके कि अगर आपको बताया जाए जी आप इस प्रोडक्ट के लिए, एक बंदा लाहौर में बेच रहा है, एक इस्लामाबाद में, एक सरगोधा में, आपने 3 जगहों पर जाना है, उससे बेहतर नहीं आपको कोई ऐसी जगह मिल जाए जो एक ही जगह पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो हमारे लिए आसान रह जाता है। एक प्लेटफॉर्म हमें चाहिए होता है ना कोई भी प्रोडक्ट सोर्स करने के लिए। अलीबाबा को एज अ डीलर आप समझ लें, एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे सेलर्स इकट्ठे हुए हैं। बजाय इसके कि हम गूगल पे जाएं और वहाँ पे हम 50 सेलर्स को ढूंढें और फिर उनसे अलग अलग रابطہ करें, कोई कोई प्राइस दे रहा होगा, कोई प्राइस दे रहा है, अलीबाबा पे जाएंगे, सिंपली पिलो लिखेंगे या कोई भी प्रोडक्ट जो आपको चाहिए, तो वो आपको फ़ौरन डिटेल दे देगा जी ये बंदा $2 का दे रहा है, ये 3 का दे रहा है, 4 का दे रहा है, जिसकी प्राइस बेटर लगेगी हम उससे रابطہ कर लेंगे, दूसरे से हम रابطہ ही नहीं करेंगे, तो हमारा टाइम बच जाएगा। तो अलीबाबा हमारा मेन प्लेटफॉर्म है जिसको हम सोर्सिंग में यूज़ करते हैं। एक ही जगह पे बैठ के आपको सारी दुनिया के सप्लायर्स वहाँ पे मिल जाते हैं। अलीबाबा सिर्फ चाइना के लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ चाइना से आप बाइंग नहीं करते, आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, यूके, कनाडा, मेक्सिको, हर मुल्क के जो सेलर्स हैं उन्होंने अकाउंट बनाया हुआ है अलीबाबा। जिस तरह अमेज़ॉन पर एक सेलर और एक बायर अकाउंट होता है, तो इस तरह अलीबाबा पे होलसेल में आपको चीज़ें मिलती हैं, तो फैक्ट्रीज वालों ने अपना अकाउंट बनाया होता है कि जी आप हमसे बाय करें, वहाँ पे आप आते हैं, अपने प्रोडक्ट बाय करते हैं, आपको अच्छे प्राइस पे मिल जाती है, आपके लिए कंपेयर करना इजी हो जाता है कि आपने किस सप्लायर से चीज़ जाके बाय करें। तो आइए हम इस पर प्रैक्टिकल करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं अलीबाबा को, तो हमने यहाँ पे अलीबाबा खोल लिया। अब सबसे पहला काम होगा हमारा इसको साइन अप करना, कि हमारा अकाउंट नहीं बना हुआ अलीबाबा पे, तो हमने एक अकाउंट बनाना है, लेकिन ये बहुत ही आसान है, बल्कि आप में से तकरीबन जो भी ये वीडियो देख रहा है सब लोगों की फेसबुक आईडी तो होगी या गूगल अकाउंट तो होगा, आप उसके थ्रू भी इसको लॉगिन कर सकते हैं, आपको अलग से अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हम कहाँ जाएंगे जी, ये माई अलीबाबा पे जाके साइन इन पे क्लिक करें। साइन इन पे क्लिक किया,
यहाँ पे अब हमारे पास ऑप्शन आ रही है साइन इन विद फेसबुक, गूगल और ये ट्विटर की ऑप्शन भी आ रही है। हम ज्वाइन फ्री पे क्लिक करके आप लोग अगर आपने इसको साइन अप करना है बिल्कुल जीरो से तो आप कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक या गूगल सबका होगा। आप सिंपली, मैं या गूगल पे चला जाता हूँ, आप फेसबुक पे चले जाइएगा, वही फेसबुक का पासवर्ड लगाएंगे, लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास बहुत से अकाउंट्स लॉगिन हैं, मैंने किसी भी एक अकाउंट पे क्लिक किया और ये अभी मेरे पास साइन इन हो गया। अच्छा, अभी हम इस वीडियो में सिर्फ इसका ओवरव्यू ले रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने ये बात भी माइंड में रखनी है कि अगर आपको यहाँ पे 50 टैब नज़र आ रहे हैं ना और आपके काम के 5 हैं, तो मैं आपको वो बताऊंगा जो आपके काम के। आपने ये नहीं सोचना कि जी इसमें ये टैब था ये तो हमें बताया नहीं गया। अगर नहीं बताया गया तो इसका क्लियर मतलब ये है कि आपसे रेलिवेंट नहीं है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों ने कन्फ्यूज नहीं होना चीज़ों में, जो चीज़ आपके काम की है सिर्फ वो सीखनी है और पैसे कमाने पर फोकस करना है आप लोगों ने। अच्छा जी, हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। ये माई अली बाबा आ गया, यहाँ पे आपका वही अकाउंट आ रहा है जहाँ पे हमने साइन इन किया था, और उसके बाद ये मैसेजेस आ रहे हैं। ये हम प्रैक्टिकली करेंगे आगे चीज़ें कि जब आप किसी भी अपने सप्लायर से रब्ता करेंगे, उसको कोई मैसेज करेंगे कि जी मुझे एक ग्लास चाहिए या मुझे पिलो चाहिए, वो आपको रिप्लाई करेगा तो यहाँ पे आपके मैसेजेस शो हो रहे होंगे। उससे आगे आ जाएंगे ऑर्डर्स। ऑर्डर अगर आपने कोई प्लेस किया हुआ है तो वो यहाँ ऑर्डर्स के टैब में आपके पास शो हो रहे होंगे, और ये कार्ट के टैब में आपके पास वो चीज़ शो होगी जो आपने ऐड टू कार्ट कर लिया लेकिन बाय नहीं की। ऐड टू कार्ट होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट ऐड, ये कार्ट होता है कि आप इसके बाद इसको चेकआउट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको 5 सप्लायर से आपको लगा कि मैं इनसे चीज़ खरीद सकता हूँ, आपने ऐड टू कार्ट सबको कर लिए, लेकिन जब आप चेकआउट करेंगे ना, फाइनल बाय करेंगे, तो वो ये ऑर्डर्स की लिस्ट में आ जाएगा। कार्ट का मतलब है कि आपके विश लिस्ट में है, आपके माइंड में है कि मैंने इस चीज़ से बाय करना है। वजह इसके कि आपको ज़बानी याद रहे, आपको ये होकर चले मेरे पास कार्ट के अंदर वो चीज़ें पड़ी हुई हैं जो जो मैंने बाय करनी है, लेकिन जब आप उसे बाय करेंगे तो फिर वो ऑर्डर्स के टैब में आ जाएगा। यहाँ पे आप सिंपली कोई भी प्रोडक्ट जिस तरह हम अमेजोन पे लिखते थे, यहाँ पे फर्ज करें मैंने पिलो लिख दिया, बिल्कुल उसी तरह अमेजोन पे क्या होता है कि आप लोग रिटेल में बाय करते हैं, यानी हम बेचते हैं, तो जो भी बायर है वो रिटेल में, उसने एक ग्लास बाय करना है, दो बाय करना है। अली बाबा पे आप होलसेल में बाय करते हैं। अब मैंने पिलो लिखा, ये नीचे मेरे पास पिलो के सप्लायर्स आना शुरू हो गए, और ये देखें ये मिनिमम ऑर्डर लिखा रहा है, वो कह रहे जी 100 पीसेस का मिनिमम ऑर्डर आपने प्लेस करना है। ये मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि हर सप्लायर की, हर फैक्ट्री के एक प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है, तो उनको हो सकता है, इस बंदे को ये कह रहा हूँ जी अगर आप 10 या 20 पिलोस खरीदते हैं तो मुझे उसको बनाने पे और उसके जो स्टिचिंग पे और जो कॉस्ट आएगी उस पे मुझे बेनिफिट कोई नहीं होगा, आप मुझसे ज़्यादा बाय करें। तो इसने कहा जी आप 100 यूनिट्स बाय करें। अमेजोन पे हम देखते हैं हमें ये नहीं नज़र आता, अमेजोन अगर आप बायर अकाउंट पे जाते हैं वहाँ ये नहीं होता कि मिनिमम इतना बाय करें, वहाँ पे आप एक यूनिट भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। ये नीचे डिप पिलोस के अब डिफरेंट सप्लायर्स आ रहे हैं मेरे पास, ये नीचे एक आ रहा है वो कह रहे हैं जी 500 पीसेस बाय करें मिनिमम, ये MOQ मिनिमम ऑर्डर क्वान्टिटी। नीचे हम आ जाते हैं वो कह रहे हैं जी 50 पेयर्स बाय कर लें, यानी 50 पेयर का मतलब कि 100 टोटल, और नीचे फिर 100 पीसेस कह रहा है, उसके नीचे फिर 100 पीसेस कह रहा है, उसके नीचे फिर 50 पीसेस कह रहा है। तो ये आपके पास डिफरेंट सप्लायर्स हैं जिससे भी आप कॉन्टैक्ट करेंगे। ये यहाँ पे आपके पास चैट नाउ का बटन आ रहा है, चैट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप इस सप्लायर से चैट कर लेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपने जो भी प्रोडक्ट आपके आप खरीदने जा रहे हैं, आपको पता होगी कि आपने किस प्रोडक्ट को हंट किया। अब आप इसमें डिफरेंट लोगों से चैट कर लेंगे, इससे भी चैट कर लेंगे, इससे भी चैट कर लेंगे। चैट में क्या करेंगे, उसे बताएंगे जी मुझे 100 चाहिए, आप क्या प्राइस मुझे देंगे, या मुझे 200 चाहिए तो मुझे क्या प्राइस मिलेगी। आपकी जो भी चैट होगी वो यहाँ से आ रही होगी आपके पास। कॉन्टैक्ट सप्लायर, सप्लायर की यानी ईमेल एड्रेस वगैरह, ये सेम लाइक चैट ही है, लेकिन इस पर यह है कि आपके पास इसका ईमेल एड्रेस वगैरह और बाकी चीज़ें आ जाती हैं, सप्लायर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाती हैं। फिर हम मज़ीद नीचे चले जाते हैं, तो अभी हम एक सैम्पल देख रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ये प्रैक्टिकली हम सारी चीज़ें करेंगे। हम जब ऑर्डर प्लेस करने जाएंगे तो फिर हम चैट नाउ पे क्लिक भी करेंगे, हम चैट भी करेंगे, कॉन्टैक्ट भी करेंगे, सारा काम करेंगे। तो ओवरव्यू उसका सिंपल से यही है, ये आपके पास प्रोडक्ट्स आ गई हैं। आप चाहें तो यहाँ से प्रोडक्ट की बजाय डायरेक्ट सप्लायर्स पे भी क्लिक कर सकते हैं, सप्लायर करके आप किलो सर्च कर देंगे, तब भी आपके पास वही बात है, आपके पास ये सारे सप्लायर्स आ गए हैं। ये सप्लायर की देखें डिटेल आ रही है यहाँ पे, ये सप्लायर इंडेक्स आ रहा है, कंट्री रीजन आ रहा है जी ये चाइना में है ये सप्लायर, इसने रेवेन्यू इतना, टोटल रेवेन्यू इतना किया जी 5 मिलियन to 10 मिलियन डॉलर्स का है, और इसी तरह ये नीचे इसने ट्रांजेक्शन टोटल से 6 महीने में कितने किए हैं 1.9 मिलियन डॉलर्स। बहुत अच्छा सप्लायर है। पहले आपके पास पिलोस टॉप पे आ रहे थे लेकिन उसमें भी आखिर कोई ना कोई उसका सप्लायर है, लेकिन जब हमने सप्लायर पे क्लिक किया तो हमारे पास सप्लायर की मेन इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये देखें जी
ये शेंडोंग कंपनी आ रही है, ये शेंजन आ रही है, नीचे यीवू मार्ट आ रहा है, नीचे नैनजिंग आ रहा है, निंगबो आ रहा है, नैनतोंग आ रहा है, ये सप्लायर्स मतलब कंपनी का नाम है उनका। तो आप चाहे डायरेक्ट सप्लायर से कॉन्टेक्ट कर लें, चाहे डायरेक्ट प्रोडक्ट की बेस पर सप्लायर से बात कर लें। एक ये होगा ना कि आपको पिलो चाहिए, एक है कि आप पहले सप्लायर ढूंढ लेते हैं टेक्सटाइल का फॉर एग्जांपल, फिर आप उस सप्लायर को आप कहते हैं कि मुझे पिलो भी चाहिए, मुझे बेडशीट्स भी चाहिए, मुझे कर्टन्स भी चाहिए, मुझे टॉवल्स भी चाहिए, मुझे हर चीज़ की आप डिटेल दे दें कि कौन सी प्रोडक्ट आप कितने में देंगे और उसका MOQ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगा। तो ये इसका एक सिंपल सा ओवरव्यू है, ये आपके सामने आ गया। ये मार्केट्स आप अलहदा से मार्केट भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, यदि मुझे सिर्फ अमेरिकन मार्केट शो होनी चाहिए, नॉर्थ अमेरिका यानी मेक्सिको वगैरह कनाडा वगैरह आप चाहते हो मुझे शो हो यहाँ पे, या आप चाहते हैं कि जी मुझे ये US 1 मिलियन से 2.5 मिलियन डॉलर लिखा है कि मुझे ऐसे सप्लायर शो हो जिनका टोटल रेवेन्यू इतना हो। यानी आप कहते हैं जी अगर एक नया सप्लायर है तो मुझे उससे बात ही नहीं करनी, मुझे उसकी डिटेल देखनी ही नहीं। आप अगर आप कर देंगे बिलो US 1 मिलियन तो ये आपको ऐसे सप्लायर्स दिखाएगा जिनका टोटल रेवेन्यू लेस देन 1 मिलियन है। रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स, जिन्होंने अभी तक लेस देन 1 मिलियन डॉलर्स के ऑर्डर्स बेचे। अब आप इस पे जो भी सिलेक्ट करेंगे, या आप कहते हैं जी 5 मिलियन से 10 मिलियन डॉलर के बीच में दिखा दे, हम इसमें से किसी पे क्लिक कर लेते हैं, हम कहते हैं जी हमें सिर्फ लेस देन 1 मिलियन डॉलर का सप्लायर दिखाओ। अब इस हमें जो सप्लायर दिखा रहा है ये सब लेस देन 1 मिलियन डॉलर के हैं। ये देखें 470,000 डॉलर है, जी जी ये लेस देन 1 मिलियन डॉलर है। तो आपने जिस कैटेगरी में भी देखना होगा हम यहाँ पे उसको क्लिक करेंगे और उस कैटेगरी में देख लेंगे। अच्छा, अलीबाबा पे कुछ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ चाइना से आप बाइंग करते हैं, अलीबाबा पे हर मुल्क का सप्लायर है। अब अलीबाबा है हांगकांग बेस्ड कंपनी है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो फॉर एग्जांपल हमारा अमेरिका में एक क्लाइंट है और वो अलीबाबा के थ्रू पाकिस्तान में सियालकोट से भी बाइंग कर सकता है। अलीबाबा पे पाकिस्तानी सेलर्स भी हैं, बंगाली सेलर्स भी हैं, श्रीलंका सेलर्स भी हैं। अलीबाबा बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ चाइना से रिलेट नहीं कर रहा, ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे किसी भी कंट्री के लोग बेच सकते हैं। तो आप मार्केट सेलेक्ट कर सकते हैं, आप ओवरऑल देख सकते हैं, ओवरऑल ही हमें देखना चाहिए कि जी हमें अच्छी प्राइस जहाँ से मिल जाए। हम कभी भी जब हम सोर्सिंग कर रहे होते हैं तो ये नहीं सोचते कि हमने किसी खास मुल्क से बाय करना है, हम देखते हैं कि हमें सस्ता कहाँ से मिलेगा, जहाँ से सस्ता मिलेगा वहाँ से हम इसको परचेज कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि अलीबाबा पे सप्लायर वेट करते हुए यानी सप्लायर फाइनलाइज करते हुए या सप्लायर देखते हुए किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। तो मैं आपको इस वीडियो में 5 टिप्स सिखाऊंगा, 5 टिप्स बताऊंगा जो कि आपने हमेशा ख्याल रखना है सोर्सिंग करते हुए, क्योंकि अगर इसमें से कोई भी चीज़ आप मिस कर देते हैं तो आप सोर्सिंग में कहीं ना कहीं गलती कर सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए, उसमें सबसे पहली चीज़ जो आपने अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि मिनिमम 3 जेम्स होने चाहिए। अब ये जेम्स क्या है ये अभी प्रैक्टिकली बता दूंगा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ये अभी मैं आपको थोड़ी ही देर में प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि जेम्स क्या होते हैं, कहाँ पे नजर आते हैं। ये बेसिकली आप जेम्स समझिए जिस तरह रिव्यूज़ होते हैं अमेज़न पर, अमेज़न के रिव्यूज़ मैंने आपको बताए, किसी भी प्रोडक्ट के जो रिव्यूज़ होते हैं ये भी उसी तरह उसकी रेटिंग होती है। दूसरी चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है वो ये रखनी है कि सप्लायर मिनिमम 2 साल पुराना होना चाहिए, रिस्पॉन्स रेट जो है उसका वो मिनिमम 85% तक होना चाहिए, यानी 24 घंटे में से अगर 20 घंटे से कम कम में उसका रिस्पांस आ रहा है तो ये ठीक है, लेकिन सब बहुत ही अच्छा है अगर लेस देन 8 आवर्स है, लेस देन 4 आवर्स है, जितना कम टाइम है उतना ज़्यादा अच्छा है। तो रिस्पांस रेट पे भी हम फोकस करेंगे कि क्या सप्लायर सीरियस भी लेता है लोगों को जो उससे कॉन्टैक्ट करते हैं, या ऐसे ही बस बैठा हुआ है, बॉदर ही नहीं कर रहा, 2-2 दिन के बाद रिप्लाई कर रहा है, तो हमारा टाइम वेस्ट होता है। ऐसे सप्लायर से जब हम कॉन्टैक्ट करते हैं तो हमें 3 दिन के बाद रिप्लाई आ रहा है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है वहाँ पर। तो इसलिए हम अपना टाइम बचाने के लिए पहले ही देख लेंगे कि इस बंदे का रिस्पांस टाइम क्या है, ये भी अभी मैं आपको प्रैक्टिकली वीडियो में दिखा देता हूँ। और अगली चीज़ है मस्ट बी वेरीफाइड, यानी उसको वेरीफाइड होना चाहिए, वेरीफाइड भी वहाँ पे लिखा आ रहा होता है, कहाँ पे लिखा आता है ये भी मैं आपको भी बता देता हूँ। जिस तरह फेसबुक पे आप लोग देखते हैं ब्लू टिक आ रहा होता है कुछ लोगों के साथ, किसी नाम के साथ, किसी कंपनी के साथ ब्लू टिक आ रहा होता है, उसका मतलब होता है कि ये वेरीफाइड है, कि ये ओरिजिनल अकाउंट है, ये ओरिजिनल बंदा है, ये ओरिजिनल कंपनी है, फेक नहीं, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और अगली चीज़ आ जाती है कि वो ट्रेड एश्योरेंस या पेपाल को एक्सेप्ट करता हो। ट्रेड एश्योरेंस एक किस्म की गारंटी है कि अगर आपके प्रोडक्ट में कोई मसला आता है या किसी वजह से आपको रिटर्न करनी होती है या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपको नहीं मिली है प्रोडक्ट या कम मिली है, तो आप क्लेम कर सके कि जी मुझे प्रोडक्ट अच्छी नहीं मिली, मुझे रिफंड किया जाए। तो ऐसा सप्लायर जो ट्रेड एश्योरेंस को सपोर्ट करता हो हम उसके साथ काम करेंगे, या वो पेपाल के थ्रू पेमेंट लेता हो। पेपाल एक पेमेंट गेटवे है, पेपाल की पेमेंट का भी ये होता है कि पेपाल में भी ऑटोमेटिकली आपको गारंटी मिलती है कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो आपका रिफंड हो सकता है, आपका पार्शियल रिफंड हो सकता है, जो भी प्रॉब्लम है आप पेपाल के साथ क्लेम कर सकते हैं। तो
पेपाल हो या ट्रेड एश्योरेंस हो, इन दोनों में से एक चीज होनी चाहिए। आइए प्रैक्टिकली जो मैंने आपको पांच चीजें बताई हैं ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूं। जिस तरह मैंने आपको टिप्स बताई हैं फाइव, अब हम वो देखेंगे कि हमें वो नजर कहाँ से आती है। प्रैक्टिकली हम अलीबाबा पे आए, यहाँ पे मैंने हैंगर्स लिख दिया, हैंगर्स लिख के मैंने एंटर किया, तो अब ये हैंगर्स के रिलेटेड जिससे मुझे सप्लायर्स दे दिए यहाँ पे। अच्छा, अब इसमें जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं वो हमें कहाँ कहाँ पे नजर आ रही है, ये हमारे पास जेम्स नजर आ रहे हैं, ये सी एन सप्लायर के पीछे ये तीन जेम्स हैं। तो जो मैंने आपको बताया था कि मिनिमम थ्री जेम्स होने चाहिए, जेम्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे, ये लाइक रिव्यूज होते हैं, अमेजोन पे रिव्यूज होते हैं, यहाँ पे रेटिंग्स जो है वो जेम्स की सूरत में आपके पास आती है। फिर मैंने आपको बताया था कि इस पे सप्लायर जो है वो मिनिमम दो साल पुराना होना चाहिए, वो आपके पास यहाँ पे आ रहा होता है, ये देखें ये आ रहा है 13 ईयर्स, बहुत पुराना है, ज़बरदस्त क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है, वेरीफाइड भी है, देखें वेरीफाइड का टैब भी आ रहा है हमारे पास। अब हम नीचे आके किसी और को भी देख लेते हैं, ये नीचे वाला भी वेरीफाइड है, 14 ईयर्स है, तीन जेम्स हैं, ओके है। फिर इसी तरह आप नीचे आके किसी को भी देखते जाएं, ये वेरीफाइड है, 8 ईयर्स है लेकिन एक जेम, हम इससे रब्ता नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट हो गया, इसकी रेटिंग अच्छी नहीं है, इसके साथ लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, जिन लोगों ने इससे बाय किया उनको कोई ना कोई इश्यूज रहे, प्रोडक्ट फॉल्टी थी या प्रोडक्ट टाइम पे नहीं मिली, कोई ना कोई लॉस हुआ, इसलिए इनके बैड रिव्यूज है, एक जेम में हम कभी भी ऐसे सप्लायर से चीज़ नहीं खरीदेंगे। फिर हम नीचे आके किसी और को देख लेते हैं, अगेन हमारे पास तीन जेम्स आ गए, 13 ईयर्स आ गए, वेरीफाइड आ गया, तीनों चीज़ें होगी, ज़बरदस्त है। अगेन आप नीचे देख लेते हैं, अच्छा ये देखें जी 13 ईयर्स तो आ रहा है, जेम भी एक है और वेरीफाइड है ही नहीं, बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे हम इस सप्लायर के साथ। अच्छा, अब जो दो चीज़ें और हैं, रिस्पांस रेट और प्रोटेक्शन की ट्रेड इंश्योरेंस वगैरह मिल रही है, वो कहाँ से चेक होगी, वो होगी आप किसी भी सप्लायर की लिस्टिंग पे क्लिक कर, क्लिक करके आप आएंगे तो ये राइट साइड पे जो आपके पास टैब आ रहा है ना, यहाँ पे लिखा आ रहा है रिस्पॉन्स टाइम लेस देन 4 आवर्स, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स टाइम, कि आप जब इससे कॉन्टेक्ट करेंगे तो ये आपको 4 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई कर देगा, जो कि बहुत अच्छा रिस्पांस रेट है। अच्छा, अब हम ये कहाँ से देखेंगे जी ये इसमें ट्रेड इंश्योरेंस है या नहीं है, प्रोटेक्शन हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही, प्रोटेक्शन हम देखेंगे ये नीचे यहाँ पे हमारे पास ये जो बॉक्स है इसके एंड पे प्रोटेक्शन लिखा आ रहा है, उसमें लिखा आ रहा है ट्रेड इंश्योरेंस, यानी इसमें ट्रेड इंश्योरेंस जो एक थर्ड पार्टी गारंटी है अलीबाबा की तरफ से वो अवेलेबल है। ये बंदा कहते हैं जी ठीक है आप मुझे पेमेंट करेंगे ट्रेड इंश्योरेंस के थ्रू, ताकि अगर ऑर्डर टाइम पे मैं ना दे पाया या कोई मसला होगा तो आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं, आप अपना पार्शियल रिफंड क्लेम कर सकते हैं, कोई भी आपका क्लेम है, प्रोडक्ट आपने दोबारा लेनी है, आपने उसको रिप्लेस करना है, तो कोई भी इशू अगर आपके साथ आता है तो आपने ये 5 चीज़ों का ख्याल रख लेना है। पहले 3 चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, वेरीफाइड भी आ गया, जेम्स भी आ गया, टाइम भी आ गया, कितने साल हो गए, 2 चीज़ें यहाँ पर आ गई, रिस्पॉन्स टाइम भी आ गया, प्रोटेक्शन भी आ गई, जिस पे ये 5 चीज़ें पूरी हैं वो सप्लायर से कॉन्टेक्ट करेंगे। जिस तरह अभी मैंने आपको पिछली स्क्रीन पे दिखाया कि हमारे पास किसी के पास एक जेम भी है और वो वेरीफाइड भी नहीं है, कुछ ऐसे है कि वेरीफाइड तो है लेकिन जेम एक है, फिर भी हम काम नहीं करेंगे। ये 5ों जो टिप्स हैं, ये क्राइटेरिया है, ये इन 5ों क्राइटेरिया पे पूरा उतरना चाहिए सप्लायर को, फिर हम उससे प्रोडक्ट बाय करेंगे, अदरवाइज हम इससे प्रोडक्ट बाय नहीं करेंगे। चले जी, हम लोगों ने देख लिया सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, वो आप लोगों ने देखनी है, ट्रेड इंश्योरेंस भी दिखा दी, पेपाल का आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि पाकिस्तान में तो पेपाल नहीं है, लेकिन क्योंकि आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं, आपका क्लाइंट अमेरिका से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, कहीं से भी हो सकता है, उसके पास तो पेपाल होगा, तो आप उसको ऑप्शन देंगे कि या तो आप पेपाल के थ्रू पेमेंट कर दें, या अगर आपने अलीबाबा पे पेमेंट अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू करनी है तो ट्रेड इंश्योरेंस लाजमी होनी चाहिए सप्लायर के पास। ये चीज़ें मैंने आपको वीडियो में दिखा दी हैं कि कहाँ पर आ रही होती हैं, आपने इन चीज़ों का हमेशा ख्याल रखना है। पेपाल पे इतना ज़्यादा आप लोगों ने परेशान होने की बात नहीं है, कब आएगा पाकिस्तान में, जब भी आएगा आ जाएगा, हमें एज अ वर्चुअल असिस्टेंट पेपाल की ज़रूरत नहीं, पियोनियर है, ट्रांसफरवाइज है, हमारी अपनी पेमेंट्स के लिए और बहुत से पेमेंट गेटवेज हैं, ये पियोनियर और ट्रांसफरवाइज ऐसे हैं जैसे पाकिस्तान में डिफरेंट बैंक्स होते हैं, तो ये हमारे पास एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपके पास पेमेंट लेने के लिए बहुत से तरीके हैं। आपको कई लोग ये कह सकते हैं जी पाकिस्तान में पेपाल तो है नहीं, आप फ्रीलांसिंग कैसे करेंगे, आपने उनको बताना जी मैं पियोनियर के थ्रू पेमेंट ले लूँगा, मैं ट्रांसफरवाइज के थ्रू पेमेंट ले लूँगा, तो पेपाल ऐसा आपकी ऐसी बड़ी ज़रूरत नहीं है कि जिसकी वजह से आप फ्रीलांसिंग छोड़ दें, तो इन चीज़ों पे आपने फोकस नहीं करना, जो करने की चीज़ें हैं वो करनी है, जो सीखने की चीज़ें हैं वो सीखनी है, और प्रैक्टिकल काम पे फोकस करना है, बातों पे नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों ने अलीबाबा का सरफेस देख लिया, इंटरनली देख लिया कि अलीबाबा किस तरह का होता है, वो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में दिखा दिया। अब हम बात करने जा रहे हैं कि हमने सप्लायर से कॉन्टैक्ट किस तरीके से करना है।
अब आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि ये कोई बताने वाली बात है, सप्लायर से कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, वीचैट पे भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनली जब आप काम कर रहे होते हैं, आप सोर्सिंग के लिए प्राइसिंग ले रहे होते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो वो व्हाट्सएप वगैरह पे नहीं होता। उसके अप्रोप्रिएट कुछ तरीके होते हैं, कुछ उसके लिए असूल होते हैं कि आपने किस तरीके से रابطہ करना है सप्लायर से। उस पर मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा कि हम सप्लायर से कॉन्टैक्ट, हमारे पास एक टैब आ रहा होता है कॉन्टैक्ट सप्लायर का, और एक होता है ऑर्डर नाउ का। ऑर्डर नाउ या प्लेस ऑर्डर पे हम नहीं जाएंगे, वो हमारे से रेलेवेंट नहीं है, हमारा काम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम कोई भी प्रोडक्ट जब सोर्स करने जा रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जो ऑलरेडी लोग बेच रहे हैं हम उसमें थोड़ा सा अलग करते हैं, कस्टमाइज प्रोडक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा एक पिलो बेच रहा है और उसके अंदर फिलिंग है 600 ग्राम्स की। हो सकता है हम जो पिलो बेचने जाएं, हम कहते हैं जी हम उसकी फिलिंग रखेंगे 700 ग्राम। अब जब हम 700 रखेंगे तो हम सप्लायर को पहले बताएंगे कि हमें 600 वाला नहीं चाहिए, हमें 700 वाला चाहिए। तो उसके साथ जब बात करनी होगी, पहले हमें अपनी कस्टमाइज प्रोडक्ट की डिटेल बतानी होगी, तो हम उससे कॉन्टैक्ट करेंगे या लाइव चैट करेंगे। अच्छा, लाइव चैट पर भी हम लोग कम जाते हैं, उसकी रीज़न ये है पाकिस्तान और चाइना का टाइम डिफरेंस। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ चाइना से ही मिलता सामान और हम सिर्फ चाइना से ही लेते हैं, हम किसी भी और कंट्री से ले सकते हैं। लेकिन रूटीन में नॉर्मली 70-80-90% सोर्सिंग हम चाइना से करते हैं। तो क्योंकि वहाँ का और पाकिस्तान का टाइम डिफरेंस है, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है यहाँ पे और टाइम है, वहाँ पे और है, तो लाइव चैट पर वो अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हम कॉन्टैक्ट सप्लायर का मेथड ही यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ लेनी है तो उससे पहले आपने जिस बंदे से लेनी है या जो थर्ड पार्टी है उससे कॉन्टैक्ट करेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसे अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे कि जी मुझे इस रिक्वायरमेंट के इस प्राइस रेंज में ये चीज़ चाहिए। अब ये भी होता है, आप सप्लायर के पास जाते हैं, आप उसे कहते हैं कि जी ये आप $5 का दे रहे हैं पिलो, लेकिन मुझे $4 में चाहिए, तो मुझे बताएं आप मुझे कैसे देंगे। तो सप्लायर आपको बता देगा जी ठीक है, अगर नॉर्मल फिलिंग 500 ग्राम है आप 450 ग्राम करवा लें, अगर उसके ऊपर जो कवर है वो 100% कॉटन है तो आप 80% कॉटन करवा लें, 20% आप पॉलिस्टर करवा लें, तो फिर आपको ये $4 में या 4.5 में मिल जाएगा। तो आपने सप्लायर से कॉन्टैक्ट करके उसे अपनी जब रिक्वायरमेंट बतानी है तो आपने कॉन्टैक्ट सप्लायर का टैब यूज़ करना। आइए अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये काम होता कैसे। अब हम अलीबाबा पे आ गए और हमने एग्जांपल ले ली ना पिलो की, कि हम पिलो खरीदने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पिलो। पिलो लिख के हमने एंटर किया तो इसने हमें ये डिटेल्स दे दी कुछ सप्लायर्स की। अच्छा, पहला ही सप्लायर जो हमारे पास आ रहा है, क्या मैं इससे कॉन्टैक्ट करूँ? बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि इसके पास ये सिर्फ एक जैम आ रहा है। हमने क्या सीखा था कि मिनिमम 3 जैम्स होने चाहिए, तब हम उस सप्लायर से कॉन्टैक्ट करेंगे। तो इस सप्लायर को हम छोड़ देते हैं, हम नीचे चले जाते हैं, नीचे फिर एक आ रहा है, हम और नीचे चले जाते हैं। चलें जी, हमें मिल गया जी 4 जेम्स वाला सप्लायर मिल गया, और ये वेरीफाइड भी है और 2 साल से ज़्यादा भी इसको हो गए हैं। ठीक है, अब हम इससे कॉन्टैक्ट करेंगे। अच्छा, आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट सप्लायर और चैट नाउ, जो मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे हमारे पास ये दोनों टैब्स आ रहे हैं। एक तो ये ऑप्शन है कि आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करें कॉन्टैक्ट सप्लायर पे और इससे रब्ता कर लें, और बेहतर होगा कि हम लोग डायरेक्टली इसके लिंक पे चले जाएं। ये जो भी फैक्ट्री है, हमने इनके लिंक पे क्लिक किया, हमारे पास एक नया टैब खुल गया। अब इस टैब पे हमारे पास ये ऑप्शन आ रही है कॉन्टैक्ट सप्लायर की और चैट नाउ की। और जो एक और चीज़ बताई थी, हमने रिस्पॉन्स टाइम चेक करना, तो रिस्पॉन्स टाइम इसका less than 6 hours है, ये हमारे सामने आ रहा है। और प्रोटेक्शन का मैंने आपको बताया था, जो 5 असूल बताए थे, 5 टिप्स जो बताई थी, उसमें 5वीं ये है, प्रोटेक्शन भी आ रही थी ट्रेड एश्योरेंस। इसका मतलब है कि ये हमारे क्राइटेरिया पे फॉल करता है सप्लायर, हम इससे रابطہ कर सकते हैं। अब इससे रابطہ करने का क्या तरीका है? सिंपल सा तरीका है, हम कॉन्टैक्ट सप्लायर पे क्लिक करें। नॉर्मली हम जब भी सोर्सिंग कर रहे होंगे हम कॉन्टैक्ट सप्लायर पे जाएंगे, उसकी रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि टाइम डिफरेंस होता है, तो हम चैट नाउ पे नहीं जाएंगे। सिर्फ चाइना की बात नहीं, हो सकता है आपका सप्लायर अमेरिका से हो सकता है यूके से हो, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, सप्लायर किसी भी कंट्री से हो सकता है, तो टाइम डिफरेंस की वजह से आपको चैट नाउ की ऑप्शन पे हो सकता है बाज़ दफ़ा वो अवेलेबल ना हो। तो हम हमेशा इस पे जाएंगे, और हमें वो बता भी रहा है कि less than 6 hours में ये लोग रिप्लाई भी कर देते हैं। तो जब हमें रिप्लाई आ जाते हैं 6 घंटे में, तो कोई मसले की बात नहीं, हम लाइव चैट को भी इग्नोर करते हैं। हमने क्लिक किया कॉन्टैक्ट सप्लायर पे, हमारे पास ये एक नया टैब आ गया। यहाँ पे आप टाइप करेंगे जो भी आपकी क्यूरी है, जो भी आपकी प्रोडक्ट है, आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, आपने मल्टीपल इंफॉर्मेशन लेनी है,
फॉर एग्जाम्पल अगर हम फिलो की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि फिलो में तीन कैटेगरीज हैं, एक में कम फिलिंग है, एक में मीडियम फिलिंग है, एक में एक्स्ट्रा फिलिंग है। तो आप उससे यहाँ पे लिखेंगे कि मुझे तीनों की प्राइस दें, अगर मैं 500 ग्राम फिलिंग में जाता हूँ तो मुझे आप कितने का बिलो देंगे, 600 ग्राम में जाता हूँ तो कितने का बिलो देंगे, 700 ग्राम में जाता हूँ तो कितने का बिलो देंगे। यहाँ पे आपने जो लिखना है वो डिपेंड कर रहा होगा आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। अब ये नहीं कि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ किलो कितने का है, 500 ग्राम कितने का है, आपकी प्रोडक्ट ग्लास है, आप ये देखें जी हाफिज अहमद ने तो बताया था जी यहाँ पे ये लिखना है तो आपने कॉपी पेस्ट कर देना है, यहाँ पे आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, यहाँ पे आपने खुद लिखना है। अच्छा, इसमें लिखने में एक चीज़ में आप रिलैक्स रहें, अगर आप जैसे किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी नहीं है, मैटर नहीं करती हैं इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती इस काम के अंदर, स्किल्स मैटर करती हैं। तो आप यहाँ पे अगर कोई आपसे ग्रामर की मिस्टेक भी हो जाएगी, स्पेलिंग गलत भी हो जाएगा तो कोई टेंशन की बात नहीं। पहला काम तो आप लोग ये करेंगे कि आप गूगल ट्रांसलेट यूज़ कर लेंगे, आप वहाँ से या ग्रामरली या कोई भी और ऐसी ऐप यूज़ कर लेंगे कि आपकी ग्रामर या स्पेलिंग की मिस्टेक वो ठीक कर देगा। अच्छा, यहाँ पे आप जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी वो यहाँ पे लिखेंगे। ऐड अटैचमेंट की हमारे पास ऑप्शन आ रही है, ऐड अटैचमेंट पे आप क्लिक करेंगे और आपने यहाँ पे जहाँ भी आपने अपनी कोई फाइल रखी है सिस्टम में वो उठा के अटैच कर देंगे। यहाँ पे ऑफकोर्स आप ओपन करेंगे और आके सेंड इंक्वायरी नाउ पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, सवाल ये है कि जी अटैचमेंट क्यों लगानी है? इसलिए लगानी है कि आपने कुछ प्रोडक्ट ऐसी होंगी जिनकी आपको पिक्चर भी भेजनी होगी कि जी मेरी ये प्रोडक्ट है, मुझे इसकी सोर्सिंग चाहिए, मटेरियल मुझे ये चाहिए, पैकेजिंग ये चाहिए, साइज ये चाहिए, लेकिन पिक्चर ये है। तो हर प्रोडक्ट ऐसी नहीं होगी कि आप बगैर पिक्चर के सिर्फ बातों में उसके प्राइस लेंगे, वो कहेंगे आप हमें पिक्चर भी दिखाएं। तो आप वो फाइल अपने यहाँ पे अटैच कर दें जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी। अब आपने यहाँ पे लिखना क्या है ये हम अगली वीडियोस में सीखेंगे, जब हमारा टॉपिक आएगा कि हम RFQ या टर्म्स पे भी आपने परेशान नहीं होना, सारी टर्म्स भी आपको बताई जाएंगी और इन पे जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आपको बताया जाएगा आपने यहाँ पे क्या लिखना है, कौन सी ऐसी लाइंस हैं जो आपने हर प्रोडक्ट के लिए लिखनी है और कहाँ पे उसको कस्टमाइज करना है, अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक लिखना है, ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियोस में सीखेंगे। चले जी, आप लोगों ने प्रैक्टिकली देख लिया, कोई मुश्किल काम नहीं है और ये पूरा कोर्स ही इसी तरह है। कहीं ना कहीं अगर आपको लगे कि थोड़ा सा मुश्किल है तो बस ये सोच लीजिएगा कि दो या तीन दफ़ा जब आप उस टॉपिक को गो थ्रू करेंगे तो आपको लगेगा ये बहुत ही आसान काम है। ये कितना इजी काम था, कॉन्टैक्ट सप्लायर पे क्लिक किया और जाके सप्लायर से हमने बातचीत कर ली, सेंड इंक्वायरी के बटन पे क्लिक किया और उससे हमने अपनी इंक्वायरी भेज दी, उसके बाद हमें उसका रिप्लाई आ जाएगा, कहाँ आएगा रिप्लाई, मैसेजेस कहाँ पे होंगे, डिटेल में ये काम कैसे होगा अगली वीडियो में सीखेंगे।